हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है नुकसान। ये एक पारिवारिक कहानी है, लेट्स स्टार्ट। मम्मी, इतनी सुबह से उठकर क्या खटर पटर कर रही हो, आराम से सोती क्यों नहीं हो? मायके आई बिटिया स्वरा ने माँ सुगंधा से कहा। अरे तू सो ना भाई, मुझे काम करने दे, 12 बजे तक समधन जी लोग आ जाएंगी, सारा काम कैसे होगा? सुगंधा जी ने तुरंत जवाब दे डाला। हालांकि वो जानती थी बेटी है, चाहती है माँ आराम करे, पर सब लोग आराम करेंगे तो काम कैसे होगा? ये सब सोचकर मुस्कुराती हुई सुगंधा ने काम की तत्परता को बनाए रखा। उठ गई बहू, सुगंधा ने अपनी बहू को रसोई में देखकर कहा। हाँ मम्मी, देर हो गई, आँख ही नहीं खुली। कोई बात नहीं, भीगे हुए बादाम के छिलके उतार लो। हाँ मम्मी, सुगंधा ने बहू अक्षरा से कहा। मम्मी, सब्जी बना ली आपने? कढ़ाई में रखी सब्जी की ओर इशारा करते हुए अक्षरा ने पूछा। अब तू भी ना स्वरा के समान ये मत बोलना, इतनी जल्दी उठकर काम करने की क्या जरूरत थी? अक्षरा ने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। भाभी, आप बहुत किस्मत वाली हैं, स्वरा ने रसोई में कदम रखते ही अक्षरा का हाथ पकड़कर कहा। अक्षरा ने भी स्वीकृति में सिर हिला दिया। खुलकर कुछ बातें तो नहीं हुई, पर सुगंधा और अक्षरा की समझ में आ चुकी थी कि सास बहू के सौहार्दपूर्ण रिश्ते के बारे में ही स्वरा इंगित कर रही है। शायद स्वरा को अपने घर ससुराल का पुराना वाकया याद आ गया होगा। स्वरा की आंखों में आंसू छलक पड़े। सुगंधा को समझते देर न लगी, उसने स्वरा को गले लगाते हुए बस इतना ही कहा, अरे पगली, सभी लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, सबकी सोच अपनी अपनी जगह अपने अपने नजरिए से ठीक होता है। बेटा, फिर हम जिसे अपनाते हैं ना, तो उसकी अच्छाई बुराई जो भी है सभी के साथ पूरा पूरा अपनाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अच्छी चीजें हमारी रहेंगी और बुरी चीजें सामने वाले की। हाँ दीदी, कुछ बातों में यहाँ मम्मी जी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, वरना मायके में मेरी माँ भी ना, मुझे अक्षरा आगे कहते हुए पहले ही सुगंधा ने बात काटते हुए कहा। ये तुम दोनों ना बंद करो सब बातें और मुझे मक्खन लगाना छोड़ो। तुम लोग बड़े चालाक हो, मेरी तारीफ कर मुझसे काम करवा लेना अच्छी तरह जानते हो। शायद मुझ में ही कमी है जो मैं पूरे अनुशासन से तुम लोगों पर रौब नहीं जमा पाती। माहौल को हल्का और खुशनुमा बनाने की सुगंधा जी ने भरपूर कोशिश की। अच्छा चल, टेस्ट करके बता सब्जी कैसी बनी है। सेवई भूनते हुए सुगंधा जी ने बात की दिशा मोड़नी चाही। कॉलबेल की घंटी बजते ही लगता है दरअसल दामाद जी के साथ समधन जी भी आने वाली थी। सुगंधा ने ही घूमने के लिए अपने घर बुलाया था। तुम लोग रुको, मैं देखती हूँ, कहकर बगल में साड़ी को दबाए हुए पल्लू को ठीक करते हुए दरवाजा खोला। सामने पेपर का बिल देने के लिए एक आदमी खड़ा था। उसे देखते ही सुगंधा जी की भौंहें तन गई। आशा के विपरीत गैस का फ्लेम कम करके वो बड़ी बेसब्री से समधन जी और दामाद जी का आव भगत करने निकली थी। और निकला पेपर का बिल देने वाला भैया। थोड़ी जल्दी में हूँ, मेहमान आने वाले हैं, कल पैसे ले जाएंगे क्या? बिना कुछ बोले ही वो पीछे जाने को मुड़ा। तभी अक्षरा वहां आकर बोली, रुकिए भैया, मम्मी इतनी गर्मी में वो फिर बेचारा दोबारा आएगा, अभी पैसे दे देते हैं ना। कहकर बिल में लिखे अमाउंट लेने के लिए अक्षरा अंदर चली गई और पैसे लेकर जैसे ही बाहर आई, आइए आंटी जी, जीजा जी आइए, ड्राइंग रूम में मेहमानों को बिठाया, आइए आइए। अक्षरा ने पूरी आवभगत की। स्वरा भी तुरंत सासू माँ से मिलने आ गई। पानी के साथ और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, चलिए खाना तैयार है, डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए सुगंधा ने कहा। सासू माँ के आने के बाद स्वरा मायके में अपनी अलर्टता छोड़ कायदे से पेश आने लगी। स्वरा से ज्यादा तो अक्षरा ही खुली और स्वतंत्र दिखाई दे रही थी। समधन जी भी सारी गतिविधियां बड़े ध्यान से देख रही थी। आखिर बहू के मायके की जो बात थी, अक्षरा की अपने ससुराल में प्रमुखता, सुगंधा का अक्षरा के प्रति बिल्कुल बेटी जैसा व्यवहार देखकर पहले तो समधन जी को कुछ अटपटा सा लग रहा था। उनका मानना था ससुराल ससुराल ही होता है, कुछ संस्कार नियम कायदे हैं, उन्हें हर बहू को पालन करना ही पड़ता है, चाहे कंडीशन कैसा भी हो। धीरे धीरे समधन जी को आभास होने लगा कि यहाँ सब कितने खुश हैं, एक अलग किस्म का माहौल है, सभी लोग एकदम फ्री है, हल्का खुशनुमा माहौल। वैसे स्वरा इतनी अदब से पेश आ रही है जबकि ये उसका मायका है, और अक्षरा ससुराल में होते हुए भी कितनी चहक रही है।
सुगंधा और उनके घर का माहौल समधन जी को अपने घर के माहौल से काफी अलग दिखाई देने लगा और अपने घर के बोझिल माहौल का जिम्मेदार समधन जी स्वयं को समझने लगी। उनके मस्तिष्क में पिछले दिन बिताए कटु अनुभव याद आने लगे। कुछ दिन पहले की ही तो बात है, जब स्वरा कमरे से 10 बजे बाहर निकली, सासू माँ गुस्से में उससे बात नहीं कर रही थी। उसने बताया, मम्मी जी, मासिक धर्म के दौरान काफी पीड़ा होती है, दवाई लेकर आराम कर रही थी, पर उन्होंने तो बस उसे एक मुद्दा ही बना लिया था। सास सुबह से उठकर काम कर रही है और बहू आराम फरमा रही है, बस यही बातें उनके दिमाग में चल रही थी। क्या हुआ समधन जी, हमारे यहाँ शायद आपका मन नहीं लग रहा है, सुगंधा ने खामोश बैठी समधन जी से पूछा। उनका मौन तोड़ा, अरे नहीं सुगंधा जी, आप मन लगने की बात कर रही हैं, आपके यहाँ तो आने से मेरे मन में जमे मैल साफ होते जा रहे हैं, चीजों को देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया, हमेशा रिश्तों की नजर से चीजों को देखा परखा, महिला हूँ, महिला बनकर कभी सोचा ही नहीं। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मुझे तुम्हारे मायके में आकर असली ज्ञान की प्राप्ति हुई है स्वरा, बहू को गले लगाते हुए सासू माँ ने कहा। पहले स्वरा को लगता था सासू माँ शायद बेकार मेरे मायके आ रही हैं, फालतू में यहाँ की कमियां निकालेंगी और घर के कुछ छुपे हुए पहलू भी उजागर हो जाएंगे, पर जैसे ही उन्होंने स्वरा को गले लगाया, स्वरा भाव विभोर होकर सोचने लगी, मैं तो नुकसान के बारे में सोच रही थी, पर यहाँ तो सासू माँ के आने से सभी को मुनाफा ही मुनाफा हुआ। आज स्वरा एक नए विचारों वाली सासू माँ के साथ खुशी खुशी ससुराल जा रही थी। सुगंधा के समझदारी, विवेक और घर के वातावरण ने समधन जी का हृदय परिवर्तन तो कर दिया था, पर क्या हम सभी बहनें अपने विचार में थोड़ा लचीलापन लाकर माहौल और अपने घर के वातावरण को खुशनुमा बनाने में सहयोग नहीं कर सकते? हम भी महिला हैं और किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, एक दूसरे की भावनाओं, कमजोरियों, मजबूरियों और इच्छा को समझा, महसूस कर थोड़ा समझदारी का परिचय देते हुए ससुराल के कई रिश्तों पर लगे प्रश्न चिन्ह को खत्म कर मधुरता तो प्रदान कर ही सकते हैं ना? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।